कहते क्या है हम तुम्हारे? कौन है, कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। आखिर क्यों है राधे श्याम एक मेगा बजट फिल्म? सिर्फ एक सेट के लिए क्यों लगाए मेकर्स ने 30 करोड़? क्या प्रभास को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है राधे श्याम फिल्म के मेकर्स? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज के फ्रेश नए वीडियो में मेरे यानी श्रुति के साथ। इंडिया स्टार प्रभास अपनी अगली सुपर मेगा बजट फिल्म राधे श्याम को लेकर अगले साल बॉलीवुड में एक रोमांटिक धमाका करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां प्रभास को रेबल स्टार कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ अब प्रभास मेगा बजट स्टार के नाम से भी जल्द ही पुकारे जाने लगेंगे। 350 करोड़ के बजट पर तैयार हो रही राधे श्याम फिल्म के डायरेक्टर की काफी ज्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। फिल्म के जॉर्जिया और इटली जैसे खूबसूरत देशों में काफी बड़े पैमाने पर शूट किया गया है। इंटरनेशनल लोकेशन के साथ साथ इंडिया में भी फिल्म के मेजर सीन्स को काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और लग्जरी लोकेशंस पर हैवी सेट के साथ शूट किया गया है। राधे कृष्ण कुमार फिल्म के डायरेक्टर ने बारीकी के ऊपर काफी ज्यादा काम किया है, जिस वजह से इस फिल्म का बजट इतना ज्यादा हाई रखा गया है। राधे श्याम मूवी में हर बारीकी के ऊपर कितना ज्यादा ध्यान दिया गया है, ये इसी बात से आपको अंदाजा लग जाएगा कि फिल्म का एक मेजर पार्ट को शूट करने के लिए हैदराबाद के फलकनुमा पैलेस की लोकेशन चुनी गई। उस महल के अंदर फिल्म की शूटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सीन के लिए 30 करोड़ से ज्यादा महंगा सेट तैयार किया गया, जिसमें फिल्म का एक क्लाइमेक्स सीन शूट किया गया है। बाहुबली का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1000 करोड़ के पार था, इसी वजह से राधे श्याम फिल्म के डायरेक्टर को भी अपने एक्टर पर अंधा भरोसा है। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है इसलिए वो उन पर 350 करोड़ रुपए ऐसे ही लगा रहे हैं और अभी भी इस फिल्म का बजट बढ़ सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि उनका ये भरोसा कितना ज्यादा सही साबित होता है। फिल्म से जुड़े हमारे आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो कीजिए इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ, और बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।